तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे हम हमारे CSP को लॉगिन करते हैं, लॉगिन वाला पेज है, यहाँ पर हमें दो फाइल का या नया मैसेज देखने को मिल रही है, लिंक मिल रही है, डाउनलोड टू पेरी सर्विस और डाउनलोड मोरपो। तो मोरपो का नया अपडेट और पेरी सर्विस, इन दोनों फाइलों को आपको डाउनलोड कर देना है एक एक करके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर पेरी सर्विस की जिप फाइल है उसको डाउनलोड कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोरपो वाली, दोनों को हमने डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया गया है। आपको जैसे डाउनलोड चालू हो गया, सेव बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद ये फाइल है जो आप देख सकते हैं यहाँ डाउनलोड होने शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगेगा और ये दोनों फाइलें डाउनलोड हो जाएंगी। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों आपका जो डाउनलोड सेक्शन है कंप्यूटर का, वहाँ पर ये दोनों इस तरीके की जिप फाइलें आएगी। तो अब आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर देनी, एक एक करके दोनों को राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद लेफ्ट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से एक्सट्रैक्ट हेयर। तो जैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों में से दो नए फोल्डर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों फोल्डर को हम अलग ले लेते हैं डेस्कटॉप पे, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ही थोड़ा सा रिप्लेस आ रहा है क्योंकि पहले से एक फाइल यहाँ पर पड़ी हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस फाइल को हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ही जो हमने एक नया फोल्डर बना के रखा है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो इसके अंदर हम डाल देते हैं ये दोनों फाइलों को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों फोल्डर अलग से बने हुए हैं। हालांकि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्टली सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आपको आसान तरीके से आप समझ सके इसलिए इस दोनों फाइलों को मैं अलग एक फोल्डर में ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों फोल्डर बन चुके हैं, आप देख सकते हैं जो RAR फाइल थी, जिप फाइल, उसको एक्सट्रैक्ट किया और दोनों ही फोल्डर यहाँ पर बन चुके हैं। तो अब दोस्तों एक काम करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च में जाके कंट्रोल पैनल को अपना ओपन कर देना है अपने सिस्टम के अंदर। पहले ये दोनों फाइलों को आपको अलग से रख देने हैं डाउनलोड करके, एक्सट्रैक्ट करके। उसके बाद हम जाएंगे हमारे कंट्रोल पैनल में और यहाँ जाके आपको सबसे पहले यहाँ पर जो पेरी सर्विस की पुरानी फाइल इसके अंदर है उसको आप डिलीट कर देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वर्जन है पुराना वाला है पेरी सर्विस का, तो इसको हम अनइंस्टॉल कर देते हैं पहले, ठीक है। तो इस फाइल को आपको लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये फाइल है जो कि आपको यहाँ से हटा देनी है, अनइंस्टॉल कर देनी है अपने सिस्टम से। ये जो पुराने वाली फाइल है इसको पहले हटा देनी है और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल आसान तरीका है और आपको जो भी समस्या भी आ रही है CSP को लॉगिन करने को, तो 100% इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। वीडियो को आप आराम से देखें, पूरा जरूर वॉच कीजिएगा, आप एक भी पार्ट इसमें मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी छोटी चीज़ है आपको बताई जाएगी और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस तरीके से हैं जो कि अपने दोनों फाइलों को रन करवा सकते हैं और अपने CSP को पहले की तरह आसानी से चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो ओके बटन है इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर ये फाइल है जो कि अनइंस्टॉल हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा दोस्तों वक्त लगता है, तो इसमें आपको इंतज़ार करना है। और ये फाइल है आप देख सकते हैं इस तरीके से अनइंस्टॉल हो चुकी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर देने के बाद जो हमने दो फोल्डर बनाए हुए, सबसे पहले पेरी सर्विस वाला फोल्डर हम ओपन करते हैं, उसमें जो पहले वाले ऊपर की फाइल है इस पर लेफ्ट क्लिक करके इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इसको पहला इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हमने इसको इंस्टॉलेशन करना शुरू कर दिया है। इसमें आपको जो भी स्टेप आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल करना होता है, ये सब आप लोग जानते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बाद में आप भूल जाते हो और आपका एक लाइक है जो कि हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, ये फिनिश हो चुका है, इंस्टॉलेशन इसका खत्म हो चुका है, मतलब पूरा हो चुका है। अब हम जाते हैं बैंक, बैंक जाने के बाद जो मोरपो की फाइल है इसको हम ओपन करेंगे, इस फोल्डर को, और उसके अंदर भी एक पहली वाली जो फाइल है इसको आपको रन टू एडमिनिस्टर कर देना है। तो यानी कि ये दो फाइलें हैं आपको रन करनी है, पहले फाइल पेरी सर्विस की हमने कर दी है, अब मोरपो वाली जो फाइल है जो अपडेट है इसके अंदर केवल अपडेट है आपका मोरपो का, बाकी सिस्टम आपको कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं है, अंदर जो भी इंस्टॉल पहले से उस मोरपो को रिमूव नहीं करना है, केवल ये जो अपडेट वाली जो नई फाइल है इसको आपको रन कर देनी है। और रन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक ये जो कमांड है वो चलती है, तो इसको कमांड को आपको चलने देनी है और ये पूरी तरीके से इंस्टॉलेशन अपने आप हो जाएगा, आपका जो मोरपो है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब एक और नई गुड न्यूज है, क्योंकि अब आप हमारा जो पहले CSP का जो ब्राउज़र था वो केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर और एड्स वाले उस पर चलता था, अब आप गूगल क्रोम के अंदर भी अपना ई मित्रा को अपने CSP को लॉगिन कर पाएंगे।
तो ये भी आपको मैं इसकी भी सेटिंग किस तरीके से आपको करनी है क्रोम ब्राउज़र के अंदर वो भी बताऊंगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे वाला ऑप्शन है रिस्टार्ट नाउ वाला, आपको नहीं करना, नीचे वाला नो करके आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो सेटिंग है बिल्कुल हो चुकी है। तो अब दोस्तों आप क्या करते हैं, हम जो गूगल इसमें एक और चीज़ करनी होती है, क्योंकि आपको जाना है सर्विस के अंदर, ठीक है। सर्च बार में जाएंगे, सर्विस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे हम आरडी सर्विस को शुरू करते हैं उस तरीके से आप यहाँ सर्विस में जाएंगे। उसके बाद आपको अल्फाबेट के हिसाब से यहाँ पर आता है सब कुछ सॉफ्टवेयर, तो इसमें आपको पी पे जाना है और पेरी सर्विस का आपको एक सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। जो सर्विस फाइल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर पेरी सर्विस ये अभी बंद है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको स्टार्ट कर देना है। जैसे हम आरडी सर्विस स्टार्ट करते हैं, इसी पेरी सर्विस को भी आपको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक रनिंग का ऑप्शन है जो कि देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो आरडी पेरी सर्विस है वो बिल्कुल रन हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये यहाँ पर अभी रन कर रही है, यहाँ पर आगे ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा उसके बाद रनिंग आ रहा है। तो ये हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब दोस्तों जो क्रोम ब्राउज़र का जो सेटिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है क्रोम, मैं दोस्तों यहाँ पर आपको क्रोम टाइप करके उसके बाद दोस्तों आपको दो बिंदी लगाना है, फिर आपको दो स्लाइस लगानी है, जो कि मैं आगे आपको यहाँ पर चलो बता ही देता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पर क्रोम डबल डॉट हैज स्लाइस और फ्लैक्स, ठीक है, क्रोम फ्लैक्स, ये इस तरीके से जैसे आप मैंने जो टाइप करके आपको दिखाया इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइप करना और एंटर बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सर्च बार है इसके अंदर भी आपको टाइप करना है लोकल होस्ट, ठीक है दोस्तों। लोकल होस्ट आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं लोकल होस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ इसको जो डिसेबल है तो इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर चलिए दोस्तों इसको हम इनेबल कर देते हैं। इसको इनेबल कर देने के बाद नीचे आपको ऑप्शन एक देखने को मिलेगा री लॉन्च का, तो यहाँ पर कॉर्नर पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर में एक बटन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपका जो क्रोम ब्राउज़र की सेटिंग है कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बार हमारे CSP की जो ID है उसको गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर मतलब लॉगिन करके आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नया टैब ओपन कर देते हैं, उसके अंदर यहाँ जो हमारे URL है नया वाला URL इसको यहाँ से हम कॉपी कर देते हैं, हमारे पास यहाँ पर पेस्ट किया हुआ था। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है हमारा नया वाला जो URL है उसको, और उसके बाद दोस्तों आपका जो CSP है अभी गूगल क्रोम के अंदर ओपन होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सेविंग का सेव का ऑप्शन आता है इसको नेवर कर देते हैं। और एक चीज़ और है जो कि बैंक ने यहाँ पर गूगल क्रोम के अंदर इसको परमिशन दी, ये गलत है, क्योंकि दोस्तों गूगल क्रोम है जो इतना सेफ ब्राउज़र नहीं है, इसके अंदर काफ़ी पासवर्ड वगैरह सेव हो जाते हैं, लेकिन बैंक ने अभी कर दिया है तो कर दिया। तो चलिए दोस्तों हम भी इसमें एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि किस तरीके से गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर ये ओपन होता है। तो दोस्तों आज मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर एक अकाउंट ओपन करने की भी कोशिश की थी जो कि कस्टमर क्रिएशन से माइनर अकाउंट, तो इसके अंदर भी एक दिक्कत आ रही है। तो नीचे हम जो एनुअल इनकम डालते हैं वो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, साथ ही कुछ और भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है जो कि गूगल क्रोम के अंदर हम अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको लॉगिन करके आपको हम बता देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। तो हमारी यूज़र ID और पासवर्ड लगा देते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक बार गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर ID को लॉगिन करके बता देते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो है जो कि मैं सुबह से डालना चाहता था, लेकिन दोस्तों आज हमारा जो सब क्यों है वो छुट्टी पर था और मैं अकेला ही सेंटर पर था, तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो है वो सुबह अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन उम्मीद करता हूं कि अभी भी ये वीडियो है जो कि आपके काम का हो सकता है। तो दोस्तों जिन CSP भाइयों की अभी तक ये सेटिंग नहीं हुई है तो आप हमारे इस वीडियो को देख के आसानी से कर सकते हैं, साथ ही हमारे CSP भाइयों के साथ आप इस वीडियो को आप साझा भी कर सकते हैं ताकि उन लोगों को भी मदद मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो फिंगर है हमने कैप्चर कर लिए हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ है जो कि लाइव प्रोसेस के अंदर चल रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा कट वगैरह हमने नहीं लगाए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं गूगल क्रोम के अंदर हमारी ID है जो कि ओपन हो चुकी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये तमाम जानकारी है जो कि आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका कोई सवाल